औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला की बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अल्लाह ताला की अमान में होंगे। परवरदिगार आप लोगों के घरों पर, आप लोगों की ज़िंदगियों पर अपना रहमतों का, अपनी बरकतों का नज़ुल अता फ़रमाए। तो जनाब, यहाँ पर बोरिंग हो रही थी और बोरिंग का, जैसे कि हमने आपको बताया था, बंदेगाने खुदा ने इस काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। और यहाँ पर जो पानी की परेशानी थी लोगों की, आज उनके इलाके में खुशी का समय है। इतना पेट भरे, पेट भरेगा तो इससे दुआ निकलेगी। उन लोगों के लिए दुआ दे, हम तो वसीला है। वसीला आपने, अल्लाह ने आपको एक वसीला बनाया, आप लोगों को खिलाए पिलाए। खिलाने वाली अल्लाह की जात है, खिलाने वाली अल्लाह की जात है। अल्लाह का शुक्र अदा करें, जरिया बनाता है। वसीला तो खैर अल्लाह बनाता है, मगर आप उनके लिए दुआ करें जो ये सब चीजें कर रहे हैं। जैसे हमारे जाहिद भाई मौजूद हैं। अस्सलामुअलैकुम भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं? और हमारी एक बात के ऊपर, वालेकुम सलाम। जाहिद भाई, अभी आपको यहाँ पे कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। आपको कैसा लगा जब मैंने आपको ऑर्डर दिया कि भाई ये 150 आदमियों की पूरियां हैं बनानी है? अल्लाह ने कहा 1000 भी बनाएंगे, 500 भी बनाएंगे, कैसे कैसे ऑर्डर आएंगे सब रोल के। ये सब उनके लिए दुआ करें जिन्होंने ये बंदे बने खुदा, जिन्होंने ये सब चीजें जब देखा कि बोरिंग हो रही है, आप लोग बहुत ज्यादा खुश हैं, तो उन्होंने बोला कि इनको नाश्ते वगैरह बाकी शबनम को नेक तोहफे का चाहिए। जज्बाती बहुत जल्दी हो जाती है, हम तो भाई जज्बाती हो जाती है। अच्छा, अभी तकरीबन कितनी चल दी आपने? मैं भी चल लूँगा, आप भी अपने हाथ से लाओ भाई। अच्छा जी, लाइव पूरियां बन रही हैं। पूरियां तो बहुत अच्छी बनी हुई है माशाल्लाह। इसको पलटे पलटे, इसको पलटते तो नहीं है, पलटते हैं। बहुत बुरी आदत है, नहीं डाले थे ओके, थोड़ा को जाए लेना। देखो मेरे को तेल, हम आपको दिखाते हैं पहले क्या क्या तैयारी की। ये तो देखिए बना हुआ हलवा, हलवा भी काफी खुशबू आ रही है इसके अंदर से, माशाल्लाह। आलू छोले दोनों हैं इसके अंदर, सही है, ठीक है। और देंगे बच्चे बच्चे माशाल्लाह। इसका मतलब ये इन्होंने वहाँ का नुकसान भी नहीं किया, वहाँ पे वो समोसे बना रही है और यहाँ पे ये हलवा पूरी के ऑर्डर को पूरा कर रहे हैं। और जनाब, यहाँ पर खारी साहब भी आए थे और सबके लिए दुआएं की गईं, दीन की तालीम दी गई, बच्चों से पूछा गया पढ़ाई के बारे में, तो बच्चों ने बहुत जोश और जज्बे का मुजाहरा किया कि वो बहुत शिद्दत से मदरसे का इंतज़ार कर रहे हैं। मरियम जी, चाय बन रही है? जी, अब हम जा रहे हैं चाय। ये चाय जो तरीके से हम लोग बना रहे हैं ना, इंशाल्लाह जो भी पिएंगे उसको हमारी चाय पसंद आएगी। अच्छा, हाँ, दूध पत्ती, हाँ, दूध पत्ती हम लोग बना रहे चाय। चाय से तो जिसान भाई वालों की तरफ से हम लोगों को ये ऑफर मिली है तब बना रहे हैं। चाय की खुशबू मेरी अम्मा जी बहुत अच्छी आ रही है माशाल्लाह। अच्छा जनाब, ये भी हम आपको बताएं कि बंदेगान खुदा ने इन लोगों के लिए नाश्ते का इंतज़ाम किया था और जो समोसे और रोल बनाते हैं साहिद भाई, उनकी वाइफ, तो उनको इस चीज़ का ऑर्डर मिला, साथ साथ उनको रोज़गार भी मिला और अल्लाह के बंदों ने यहाँ पेट भरकर नाश्ता भी किया। काफ़ी अरसे के बाद इन लोगों ने कहा कि हमें यहाँ पर पूरियाँ खाने को मिली और बहुत दुआएँ दे रहे थे आप लोगों को। परवरदिगार आप लोगों के रिस्क में, रोज़ी में, आपकी उम्र में इजाफा था फरमाए कि आज ये लोग माशाल्लाह माशाल्लाह से ना सिर्फ ये कि नाश्ते से एंजॉय कर रहे हैं बल्कि और दूसरी फैमिली को जो है रोज़गार भी मुहैया हो। हलवा पूरी खाई? हलवा पूरी खाई। कैसी थी? बहुत अच्छी थी। पूरी खाई? हाँ, खाली हम लोगों ने, बहुत अच्छी थी हम लोगों ने खाली। अच्छा, माँ आपने खाई? शुक्र अल्लाह का, खाई हमने आज ने खाना खाया, तबियत खराब है। आपने लग रहा है खाई नहीं पूरी, शर्म आ रही है इनको। दूध पत्ती चाय पियेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह उनको खुश रखे। अच्छा जनाब, खारी साहब ने यहाँ पे बच्चों से दीन के हवाले से कुछ मालूमात भी ली, पूछा कुछ क्वेश्चन वगैरह किए, तो बच्चों को यकीन करें यहाँ पे पहला कलमा तक इन लोगों को नहीं आता।
और साथ साथ पूरियों का भी इंतज़ाम था, हलवा पूरी और तरकारी का, चाय का। यहाँ पर जाहिद भाई और उनकी वाइफ बहुत ज़्यादा खुश थे, एक्साइटेड थे कि हमें काम भी मिला है और अच्छी और साफ़ सुथरी पूरियाँ भी लोगों को लाइफ मिल रही थी। माशाल्लाह माशाल्लाह, हमारे जाहिद भाई और रिजवाना सिस्टर पूरियाँ बना रहे हैं, क्या ज़बरदस्त पूरियाँ हैं माशाल्लाह से भाई। बाजी कह रही है हम इनकी चाय नहीं पीते। नहीं आज तो आज पीते जाएंगे आप लोग। नहीं आप लोग खाए पिए हमें खुशी होती है। ये यहाँ पे लगे भी थे और बोरिंग से लेके राशन से लेके और हर चीज से लेके, और आज ये इमाम साहब जो बाहर इस वक्त बयान दे रहे हैं, बच्चों को मदरसे के लिए पूछ रहे हैं, दावत दे रहे हैं, दीन की तालीम दे रहे हैं, तो इसमें इनका बहुत बड़ा किरदार है इस कम्युनिटी के लिए। क्योंकि इसकी वजह ये है कि इन्होंने ये फैसला कर लिया है कि अब हम ही इस रास्ते पे, दीन वसल रास्ता है हमारा, इस पे चल के हम इंशाल्लाह कामयाबी हासिल करें। हमारा सिस्टर ये भी माशाल्लाह एक आवाज़ के ऊपर हमारे आ गए हैं और उन्होंने बोला अगर ऐसी कोई बात है तो उन्होंने कुछ ही डिस्काउंट, कुछ उसी डिस्काउंट के साथ ही हमारे को एक पैकेज बना के दिया 150 आदमी। माशाल्लाह माशाल्लाह पूरियां बन रही हैं, ऐसे ऑर्डर आते ही रहेंगे अब इंशाल्लाह। अच्छा भाई, मरियम बाजी की चाय तैयार हो गई है। अच्छा चाय बनाई है आपने? इंशाल्लाह मैंने चाय बनाई है और बाजी को दिखाई भी है। अच्छा दिखाई, अभी बांटेंगे हम चाय बनाई है। चलो भाई, इनकी खुशी का एक वो है कि भाई बोरिंग की हो गई है माशाल्लाह। अब ये जब पढ़ने वाले को अल्लाह तआला ताला दोजख में डालेगा तो वो सूर अल्लाह तआला से जगना करेंगे, अगर तो सुनने वाला या सुनने वाला दोजख में जाएगा तो मुझे और जनाब इसके बाद नाश्ते के लिए बच्चों के लिए, बड़ों बुजुर्ग खवातीन सब के लिए पूरियों का इंतजाम किया गया। जा शरीफ हलवा भी लेके भाजी, चाय भी मंगवा लें खाली साहब की। इनकी तीन पूरियां भी डाल दी। छह बजे से तो उठते हैं, शाम में थकन नहीं होती हमें। मतलब आपको अच्छा लग रहा है जैसे खा रहे हैं, इसमें कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, अल्लाह तेरा शुक्र है उस मालिक का। अगर इससे बड़ा ऑर्डर आ जाए फिर क्या करोगे? ये भी करेंगे इस तरीके से, हम मिल के करेंगे। ये भी सिलसिला था की नाश्ते वगैरह का थोड़ा सा प्रोग्राम था। कारी साहब के लिए चाय लेके जा रहे हैं हम लोग। सरसों में तेल लगाए फिर हम मिथिली में भाभी के चौक। सलीम भाई को बोलो।
तो जनाब यहाँ पर बच्चों के लिए और बुजुर्गों के लिए, जेंट्स के लिए नाश्ते का अलग से इंतज़ाम किया गया। ख़वातीन जो थी वो पर्दे के हद में रहते हुए नाश्ता कर रही थी। सब बहुत इंजॉय कर रहे थे और मज़े की पूरियाँ थी, खुशबू बहुत अच्छी आ रही थी। इनके इलाके में खुशी का समा था, लोग एक दूसरे को ये नाश्ता करा रहे थे, अपने हाथों से खिला रहे थे, क्योंकि आज इनके घरों में पानी आएगा। और ये सारी जो अल्लाह पाक की दुआएँ हैं, नेकियाँ हैं, आपकी नाम माल में अल्लाह पाक इनका इजाफा करे और अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। इतनी सारी रश है ना, हम आपको पूरी दें भाई। सामने उसको भी डाल के दो थोड़ा। अम्मा कहाँ लेके जा रहे हैं? अलग से उतरता मट्टी बन जाता है, सिर्फ दो है। किसके लिए लेके जा रही हैं? मेरी बच्ची कुरान पढ़ के गई ना, वो बैठती नहीं आ रही। अच्छा, पढ़ पढ़ के गई है वो कुरान। ले जाने और जनाब नाश्ते के साथ साथ दूध पत्ती चाय का भी इंतज़ाम किया गया। और माशाल्लाह से यहाँ पर सब लोगों ने नाश्ते के बाद चाय से भी इंजॉय किया। आप लोग इन लोगों की खुशी देख सकते हैं, क्योंकि पानी एक ऐसी नेमत है कि जिसके बगैर गुजारा नहीं है। और आज इनके इलाके में साफ़ सुथरा अच्छा बोरिंग का मुस्तकिल पानी मिलेगा, तो खुशी तो बनती है। और ख़ुशी के साथ साथ इनको बेहतरीन किस्म का नाश्ता भी मिला, जो अल्लाह पाक ने ये काम आप लोगों से ही लिया, क्योंकि अल्लाह ताला ज़र्फ़ देख के वसीले बनाता है। आपको इस काम के लिए मुंतखब किया, हमारी भी दिल से दुआएं हैं, दिल की गहराइयों से दुआ है कि अल्लाह ताला आपके इस नेक मकसद में आपको कामयाबी अता फरमाए। ये पीछे ये कौन है? ये माशाल्लाह। इससे पहले क्या काम करते थे? ठेला मजबूरी और परेशानी से बेच दिया है। अब क्या काम करते थे पहले? केला लगा। ठेले में क्या लगाते थे? केला लगाता था, केले वगैरह लगाता। हमारा तो प्रोग्राम ही मेहनत कश प्रोग्राम, हमारा मेहनत कश प्रोग्राम चल रहा है। तो इंशाल्लाह अगर कोई बंदा आता है बंदगाने खुदा, तो हम जरूर सोचेंगे आपके लिए। सही है, ठीक है, दुआ कीजिएगा हमारे लिए, सबके लिए, सबके लिए आसान। मुझे खाली ठेला चाहिए और कुछ नहीं। आपको खाली ठेला चाहिए? चले मैं इंशाल्लाह बात करूँ। सही है। और आपने पूरियां वगैरह खाई अम्मा? हाँ खा ली। अच्छा भाई, अम्मा ने भी हलवा पूरी खा लिया। हाँ अच्छा लगा। तो जनाब हमारा मकसद भी यही है, और जो हमारे मदरसे के जो सरपरस्त हैं उनका भी मकसद यही है कि मेहनत कश प्रोग्राम को तरतीब दिया जाए और लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने पैरों पर खड़े हों, बरसरे रोज़गार हों। यहाँ पर हमें बहुत सारी फैमिलीज़ मिली जो काम करने का आज़म रखती हैं और अपनी फैमिली को खुद सपोर्ट करना चाहती हैं। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में आप ये भी देखेंगे कि लोग जो हैं वो अपनी रोज़गार के ज़राए भी इस मेहनत कश प्रोग्राम के ज़रिए हासिल कर रहे हैं। मेरी वालदा जो एक्सीडेंट हुआ है जंग में, पर बस क्या बोल रही है ये कह रही है ताकि मेरी अम्मी जैसे एक गिरी है, उर्दू नहीं आती है, इसके गांव में किसी ने इसको तुम्हारे बारे में बोला है कि ये लोग मदद करते हैं। अच्छा। इसलिए आज ये अचानक से आई है मेरे पास, तो मेरे को कह रही है आप भाई जिशान वालों को बोलो तो मेरी मदद करे, ताकि मेरी अम्मी है ना गिरी हुई है, उसका ऑपरेशन का मसला है और हम लोग बहुत गरीब है। हमारे पे इतने कहाँ पे है भाजी? बदीन गाँव। अच्छा, बदीन। हाँ बदीन में आप बोलोगे तो लेके आएंगे अपनी माँ को भी। इधर आप भले देख लो, रिपोर्टें देख लो, फिर मेरी मदद। रिपोर्ट आई मैं मोबाइल में देखा
कह रही है मोबाइल में रिपोर्टें भी आई, आप देख लो फिर मेरी मदद करो। ये हमारे को व्हाट्सएप पे भेज दें, हम भेज देंगे जिसको भेजना होगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं एक मेहनत कश बंदा हूँ, कारपेंटर हूँ। आप कोई मेरी मजदूरी के लिए कोई हेल्प कर दो तो मजदूरी करने की मैं तैयार हूँ। मेरी हेल्प कर सको तो आपकी मेहरबानी होगी, मैं खुद मेहनत बताऊँ। ये अपने पैरों पर मतलब खड़े होना मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि आपको जो मेहनत कश प्रोग्राम है ना, उस प्रोग्राम के तहत अगर कोई ऐसी चीज़ हो जाती है तो ये एक मेहनत मेन चीज़ तो थे मगर थोड़ी जॉब फट गई, इसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा परेशान है। हुनर है इनके पास, कारपेंटर है वैसे ही। अच्छा ये भी खड़े हुए हजरत, ये बोल रहे हैं किसी मुझे ठेला कोई करा दे, बाकी ये केले वगैरह का काम करते थे। अच्छा तो अब ठेला जो है किसी मजबूरी के तहत बिक गया है, जिसकी वजह से अब ये समझ लें एक तरीके जब ठेला ही नहीं है तो बेरोजगारी हो गई। अल्लाह चले तो के नियत साफ आई ना, मंजिल आसान। ये हमारे कमेटी के मेंबर हैं, यानी कि जहाँ पे अब दूसरी बोरिंग होगी ना, ये बाकी मेंबर है। इंशाल्लाह वहाँ भी ऐसे कोई प्रोग्राम कोई अगर आगे आएगा इंशाल्लाह हम जरूर पहुँचेंगे। ये भी हमारी तरफ से कुछ नहीं है, ये बंदेगा ने खुदा की तरफ से हलवा पूरी का पूरा नाश्ता था जो हमने करा दिया, और ये हमारा बहुत अच्छा दोस्त भी है, भाई भी है। ये भी इसी अल्लाह के रास्ते में, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं बोली कि मुझे कोई चीज़ दे दो या ले दो, किसी एक ही बात बोल रहे कि हम आपके साथ खड़े जज्बा रखते। अच्छा ये हमारे घोर करने वाले भाई अख्तर भाई, जी जी ये अख्तर भाई हैं, इन्होंने माशाल्लाह बहुत अच्छा काम किया, बल्कि अब तो अगर देखा जाए तो जो पत्थर नीचे आया था उसमें मीठा पानी लगता है, पानी अच्छा है तो 160 पर हम लोग 160 पर ये हैं। और हमारे नाम है ये वसीम भाई, और इन्होंने 14 घंटे 16 घंटे मशीन चला के अपने काम को पूरा किया। किसकी वजह ये कि यहाँ परमिशन बड़ी मुश्किल से मिलती है, इसी में इन्होंने फटाफट सारे काम पे केसिंग बोर्ड सब कुछ हो चुका है। चले आप लोग को बुला रहा हूँ कि अब इतने सारे लोग यहाँ से पानी पियेंगे तो ये सवाल बिल्कुल बस। और उन्हें बहुत मुनासिब डिस्काउंट के साथ पैसे लिए हमसे, इन्होंने ये बड़के नहीं लिए बल्कि डिस्काउंट ही दिया। किसी को अगर इनसे बोरिंग करानी हो तो हमसे रब्ता भी कर सकते, ये हर जगह पे पीछे नहीं आ गई है। हमारे सलीम भाई है माशाल्लाह, इन्होंने पूरा ए सी लेके जेड तक का पूरा इंतजाम बोरिंग से लेके राशन से लेके हमारे साथ चल रहे, बल्कि हम ये बिल्कुल राशन में बैठ के थक के हम उनको जबरदस्ती बिठाया है, तो कुछ खा लो। माशाल्लाह सबको 150 आदमी को खिलाने के बाद भी तरकारी ये बची हुई है, हलवा ये बचा हुआ है। जायद भाई ने बड़ी मैनेजमेंट के साथ हर चीज को मैनेज किया है, और रिजवाना सिस्टर ने भी, क्योंकि सब लोग माशाल्लाह खा के गए, असल चीज ये होती सब खा के गए। बेटा इधर बाहर निकल जाओ थोड़ा, आ जाओ तुम्हारे कितनी फजीलत है कुरान की, आप नहीं पढ़ सकती हैं, सुन सकती हैं, देख सकती हैं, कोई पढ़ रहा था सुन भी सकती, देखो कुरान की अपनी। आप ही कहती ना नमाज पढ़ते नहीं बोलो, सही है। आपने सुना उन्होंने क्या बोला, आप कितनी फजीलत है कुरान की। जी ठीक है, ठीक है। अच्छा माशाल्लाह बहुत बरकत होती है, अल्लाह हाफिज़ जी, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सबको, ये तो अल्लाह का ही, अल्लाह किसी का अम्मा की। भाई अल्लाह तुम्हें खुश रखे, अल्लाह कामयाब करे, गरीबों की इतनी मदद कर रहे हो, अल्लाह तुम्हें ज्यादा देवे, मदरसा भी खोल रहे, पानी का बोरिंग भी लगा के दिया है, अल्लाह अल्लाह की तरफ से अल्लाह तुम्हें खुश रखे, इतना दे दे गरीबों को बांटते रहो, क्या समझा बच्चों को लिए, बच्चों को शऊर होगा, बच्चे सुनेंगे पढ़ेंगे, बच्चों को शऊर दीन के बारे में बच्चों को मालूमात होगी। आप लोग खुश हैं सब चीज़ से, बहुत मदरसे के बनने से खुश हैं, बहुत ज्यादा हम सब खुश हैं, मेरे बच्चे भी साथ में रोज कहते हैं कि मम्मा कब स्कूल खुलेगा, कब खुलेगा, इंशाल्लाह बनेगा, बहुत अच्छा बनेगा, दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह करे। और यहाँ पे इन लोगों की खुशी देखकर यकीन करें आंखों में आंसू आ गए थे कि बस जल्द से जल्द इन लोगों के लिए एक मदरसे का भी क़याम हो और वहाँ पर ये बच्चे पढ़ सकें, हमारे मुल्क का मुस्तकबिल हैं, टैलेंटेड बच्चे हैं, अल्लाह ताला ने इन बच्चों को भी किसी ना किसी सलाहियत से तो नवाजा होगा ना। पढ़ोगे?
फिर टाटा करो, सब टाटा करो। क्या टॉफियां चाहिए? टॉफियां चाहिए। चलो अगली दफा आएंगे ना तो लेकर आएंगे। अभी तो हलवा पूरी तो हजम कर लो। हलवा पूरी हजम हो जाए अभी टॉफियां भी लाएंगे। नेक्स्ट टाइम आएंगे आप लोगों के लिए टॉफियां लाएंगे। आप भी बहुत बीमार है, मतलब कोई गाड़ी के लिए अगर हो गया तो मेरे बाप के लिए कुछ करा जाए। साइकिल के लिए भी वहाँ एक्सीडेंट हुआ है। साइकिल के लिए कौन सी साइकिल बोली? उसकी जो मजदूर वाली ना, मेरे बाप का एक्सीडेंट हुआ है ना। हाँ ना, तो आप चल नहीं सकता है बेचारा, बिना कोई साइकिल हो जैसे चल पड़े। अच्छा, हाँ जो चल सके बेचार। हाँ बेटा, उनसे कोई बातचीत हो सकती है इनकी? हाँ भले, पूरा गरीब आबाद के तरफ रहता है। अल्लाह हाफिज, आएंगे ना इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। नाम कर रहे हैं, सब कुछ अच्छा लग रहा है, बच्चे भी खुश हैं, खा के, और चाय भी अच्छी बनाई हुई थी, सबने पेट भर के खाया माशाल्लाह। तो जनाब इन्हीं दुआओं के साथ हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे फिर मुलाकात करेंगे। अच्छे अच्छे कमेंट्स करते रहा करें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और शहजादी ज़ैनब के चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करें। फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हमने तो उनको देखा तक नहीं है जिन्होंने इतना कुछ करा है हमारे लिए, तो मेरी तो यही गुजारिश है अल्लाह ताला उनको सही सलामती रखे, जा भी रहे ताकि वो दोबारा हमारे लिए कुछ और भी कर सकें। आमीन सुब्हान।